लास वेगास दुनिया का एक ऐसा शहर है जो अपनी चकाचौंध भरी जिंदगी गैम्बलिंग यानी के जुआ और अयाशी भरे रहन-सहन के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है। यहाँ पर हर जगह आपको खूबसूरत लड़कियों की कतारें देखने को मिलेंगी। इस शहर में देह व्यापार करती लड़कियों आपको हर जगह नजर आ जाएंगी। इस शहर को अगर मंचले लोगों की सपनों की नगरी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। मस्ती पसंद करने वालों लोगों को यहाँ कोई कमी नहीं। खूबसूरत लड़कियों से लेकर जुआ और शराब यहाँ की मूल चीज है। लास वेगास में इतने होटल्स हैं, एक अगर आप ये एक एक होटल में एक एक रात बिताएंगे तब भी आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। यहाँ हर जगह आपको रोशनी से चमकती बिल्डिंग्स और सड़कें मिलेंगी। यहाँ एक रात में बिजली की इतनी खपत हो जाती है जैसे एक शहर की पूरे साल की बिजली चल सकती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कैसी होगी जिंदगी। दूर दूर देशों से अमीर लोग यहाँ अपनी रातें रंगीन करने और घूमने आते हैं। लास वेगास अमेरिका के नवादा राज्य में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है जिसे कि अमेरिका का 28वां सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य माना जाता है। लास वेगास अपनी नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट, लाइव शो और गैम्बलिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अंतरिक्ष से दुनिया के सभी शहरों को देखने के बाद यह पता चला कि लास वेगास दुनिया का सबसे ज्यादा चमकने वाला शहर है। लास वेगास इतना पॉपुलर है कि यहाँ हर साल लगभग 4 करोड़ से अधिक टूरिस्ट घूमने आते हैं। एक बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि दुनिया के 20 सबसे बड़े होटलों में से 14 होटल लास वेगास में स्थित है, और अगर कुल होटल को देखा जाए तो लास वेगास में इतने होटल हैं कि एक आदमी अगर होटल के हर एक कमरे में एक रात गुजारे तो सारे होटल को पूरा करने में लगभग 288 साल से अधिक समय लग सकता है। यहाँ के कुछ होटलों में एशिया के बहुत सारे होटल की तरह ही कमरा नंबर 4 नहीं होता है, क्योंकि नंबर 4 को दुनिया के काफी सारे देश में अशुभ माना जाता है। लास वेगास पूरे दुनिया में अपनी अयाशी के लिए जानी जाती है, लेकिन जिन चीजों के लिए लास वेगास प्रसिद्ध है वह असल में लास वेगास में नहीं होती है, और यह लगभग 6.5 किलोमीटर दूर पैराडाइज नामक एक छोटे से हिस्से में होता है। एक बात जानकर आपको काफी हैरानी हो सकती है कि अयाशी के लिए प्रसिद्ध माने जाने वाले शहर लास वेगास में वेश्यावृत्ति कानूनी तौर से गैर कानूनी मानी जाती है, और यह शहर के कुछ हिस्से में ही कानूनी है। कहा जाता है लास वेगास अपने कैसीनो के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है, और यहाँ पर स्थित कैसीनो दुनिया के सबसे बड़े कैसीनो में से माने जाते हैं। एक सर्वे के दौरान देखा गया कि यहाँ के कैसीनो में होने वाली चीटिंग का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ के द्वारा करा जाता है, इसलिए यहाँ पर गेम खेलने के दौरान सावधानी बरतनी जरूरी है। यहाँ की आय का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर स्थित कैसीन, होटल और बाहर से आने वाले टूरिस्ट के द्वारा आता है। लास वेगास में एक बीम लाइट बनाया गया जिसको दुनिया का सबसे चमकता हुआ बीम लाइट माना जाता है, और इसको लगभग 100 किलोमीटर दूर से भी लोग देख सकते हैं। लास वेगास की चकाचौंध जिंदगी का एक काला सच भी है, और वह है कि आज भी यहाँ पर बहुत से लोग घर न होने की वजह से अंडरग्राउंड टनल में रहते हैं। लास वेगास में शहर को देखने के लिए एक और टावर बनाया गया जो कि लगभग 1150 फीट ऊंचा है, और इसे अमेरिका का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन टावर माना जाता है। दुनिया के बहुत से जोड़े लास वेगास में शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं, और शादी के मामले में यहां की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज यहां पर हर महीने लगभग 10,000 से भी अधिक शादियां करवाई जाती हैं। लास वेगास के कैसीनो में एक ब्लैक बुक बनाया गया जिसमें जिस इंसान का नाम दर्ज होता है वह कभी भी यहाँ के कैसीनो में दोबारा नहीं घुस पाता।